जो मेरे साथ अभी हुआ है, जो मेरे परिवार के साथ हुआ है, सभी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप में से काफी सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिरकार क्या वजह है जो मुझे गांव जाना पड़ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं केरल के इस कोची हवाई अड्डे पे हूँ और आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने से मैं यहाँ एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था और अचानक में इस फिल्म की शूटिंग को छोड़कर मुझे मेरे गांव जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक ऐसी घटना घट गई है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो सुबह के करीबन 5:10 की ये फ्लाइट है जो मुझे यहाँ कोची एयरपोर्ट से करीबन बेंगलुरु ले जाएगी और बेंगलुरु से जो है फिर वहाँ से 2 घंटे के बाद की फ्लाइट है जो मुझे इलाहाबाद लेके जाएगी। तो इस घटना को बताने का मकसद मेरा ये है कि कई बार आप लोगों को मेरी वीडियो लेट मिलती है, मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ क्योंकि कई बार काम में बिजी होता हूँ और कई बार ऐसी जो घर की जो परिस्थिति होती है, घटनाएं हो जाती हैं उसकी वजह से। फिलहाल जो मेरे साथ अभी हुआ है, जो मेरे परिवार के साथ हुआ है, सभी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिरकार क्या वजह है जो मुझे गांव जाना पड़ रहा है, तो आगे मैं दिखाऊंगा आपको, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर क्या हुआ है। तो गांव पहुंचने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं और फिर पहुंचते हैं वहाँ पर। भाई सुबह वाली फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, भाई बीच की सीट में बड़ा तकलीफ होता है। ये हम लोग जाएंगे अभी बेंगलुरु और बेंगलुरु से फिर हम लोग इलाहाबाद के लिए जाएंगे। तो 5:10 की ये फ्लाइट है, करीबन यहाँ से 1 या 1.5 घंटा लगेगा बेंगलुरु जाने के लिए। उसके बाद फिर से वहाँ से मैं एक और फ्लाइट लेके मैं इलाहाबाद जाना पड़ेगा। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। तो भाई इस वक्त बेंगलुरु पहुँच चुका हूँ और अब यहाँ से जो है इलाहाबाद के लिए जो दूसरी फ्लाइट मुझे पकड़नी है। करीबन 1 घंटे के इंतज़ार के बाद जो है हमारी फ्लाइट आ गई है और अभी हम लोग चल रहे हैं प्रयागराज की। ये करीबन 2 घंटे का सफ़र है बेंगलोर से प्रयागराज का से। और सुबह सुबह है 5 बजे से वो फ्लाइट थी। और अच्छा यहाँ काफ़ी चीज़ें अच्छी भी थी, जैसे कि यहाँ की जो है सुविधा वगैरह भी अच्छी थी। यार यहाँ पर मैंने शायद ऑप्शन मिले चेंज वगैरह करने का, लेकिन जो सीट है ना मेरी वो वाली है, तो फिर क्या है कि ऑप्शन है कि काफ़ी सारी जगह खाली है तो शायद बैठने मिल जाए, लेकिन पहले जाके उस सीट पे बैठना पड़ेगा, उसके बाद जो है रेस्टोरेंट को बोलना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए। तो कोशिश करके देखते हैं। भाई 2 घंटे की फ्लाइट के बाद मैं पहुंच चुका हूं प्रयागराज, यानी इलाहाबाद इसका पुराना नाम है। लेकिन 2 घंटे के बाद जो है प्रयागराज पहुंच चुका हूं मैं। ये है उसका एयरपोर्ट, वहां पीछे जो है वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, यहां पे हमारी जो है फ्लाइट है। आपको एक बात बता दूं कि मैं इलाहाबाद बहुत ही मतलब कि एयरपोर्ट बहुत ही कम आया हूँ। देख के अच्छा लग रहा है कि इलाहाबाद का एयरपोर्ट है,
जयपुर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन है। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा तो भाई देख लीजिए, यही है इलाहाबाद का प्रयागराज एयरपोर्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय, क्योंकि केरल में तो इतनी गर्मी नहीं थी। तो भाई लेंगे अपना सामान और फिर यहाँ से निकलेंगे। अब इसके आगे की जानकारी मुझे नहीं है कि मैं यहाँ से जौनपुर कैसे पहुँचूँगा, बाहर निकलूँगा पूछा चलेगा। सामान ले लेते हैं। तो अंदर का जो नज़ारा वो काफ़ी बढ़िया है, इस हिसाब से दिख रहा है प्रयागराज का ये जो दिखाई दे रहा है ये काफ़ी खूबसूरत है। तो गेट नंबर 1 और 2 ही है, क्योंकि ज़्यादा फ्लाइट आती नहीं है इसीलिए जो है कि यहाँ पे केवल 2 है। चलिए ये है पूरा एयरपोर्ट का नज़ारा, अब अपना इंतज़ार करते हैं अपने सामान का, उसके बाद चलते हैं। मैं अपने सफ़र में कई जगहों का, कई साधनों का जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। अभी एयरपोर्ट से आ रहा और फिर मैंने सोचा कि क्या गाड़ी करना, तो यहाँ की जो सरकारी बस है उसी से सफ़र कर रहा हूँ। और आपको बता दूँ कि ये जो है करीबन इलाहाबाद से जौनपुर का जो है ये सफ़र काफ़ी लंबा है, 2 से 2.5 घंटे का है, और उसके बाद जो है ये रुक रुक के चलती है। तो मैं सफ़र का मज़ा लेता हूँ। मेरी कई वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं जो है बहुत जगहों पर जो है ट्रैवल करता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, तो बस घर जाने की खुशी भी है, साथ में जो बताया आपको कि जो घटना हो गई है वो उसका दुख भी है। तो बस इसी अभी और आधे घंटे का सफ़र है और फिर मैं घर पहुँचूँगा तो आपको दिखाऊँगा आगे का। मेरी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि इस तरह की परिस्थिति तभी होती है जब कोई अपना गुजर जाता है। तो आपको बता दूं कि मेरे बड़े पिताजी, यानी मेरे पिताजी इससे पहले ही गुजर चुके हैं, लेकिन उनके बड़े भाई थे जो हमारी देख रेख में थे, उन्हें हम संभालते थे, वो हमें संभालते थे। तो उनकी जो है इस वक्त हॉस्पिटल में जो है इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और वो करीबन 75 ईयर्स यानी 75 साल के थे। तो ये जानकारी मुझे केरल में मिली और उसके बाद वहाँ से निकला, निकलने के बाद यूपी पहुँचा हूँ। और ये है हमारा गांव जहाँ पर मेरे पिताजी जो है, बड़े पिताजी यानी पूरा जो हमारा जो कहते हैं ना आप लोग कहते हो कि गांव से, तो यही गांव से नाता है और वो यहीं पे रहते थे। उनका यही सब खेत खलिहान गाय भैंसे वगैरह जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे थी। उनके मृत्यु के बाद जो है 13वें दिन का जो होता है वो उस कार्यक्रम के लिए मैं फिर यहाँ पर आया हूँ और अभी जो है कि हाल ही में हम उनको करने वाले हैं। तो वीडियो में आपने देखा कि तिरही की तैयारी चल रही थी,
और अभी जो है मैंने वो संपन्न भी किया, क्योंकि उसमें करीबन 1500 से 2000 लोग आते हैं। तेरा ही में कार्यक्रम, आप उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आपको क्या बताने की ज़रूरत है, आप लोग खुद समझदार हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम हुआ, और इसीलिए जो है कि जो मेरी वीडियोज़ है वो थोड़ा कम आ रही थी, क्योंकि उस दौरान जो है हॉस्पिटल में थे, वो उस समय की थोड़ी सी टेंशन थी, साथ ही जो है काम का भी टेंशन था, क्योंकि काम भी चल रहा था, तो इस दुविधा में पड़ा हुआ था। लेकिन अब वो जो है वो चले गए हैं, उनकी यादें अब बस यहाँ रह चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। अब बहुत सारे लोग, आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं और मेरी वीडियो को देखते रहते हैं और मेरे बारे में जानना भी चाहते हैं, और आपके बारे में मैं भी, आपके भविष्य के लिए, आपके काम के लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है मैं बनाते रहता हूँ। तो ये इसीलिए थोड़ा सा बीच में जो है गैप हो गया था, और अब मैं इसके बाद जो है डायरेक्ट यहाँ से जाऊँगा केरल, क्योंकि वो काम अभी बंद नहीं हुआ है, वो अभी करीबन एक महीना और चलेगा उस फिल्म का काम, और उसके बाद जो है मुंबई पहुँचूँगा। तो मैं और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैंने वीडियोज़ बनाई है, वो आप तक पहुँचाते रहूँगा और लगातार पहुँचाते रहूँगा। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हो और मेरे, मुझे पता है कि डिमांड करते हो कि रोज़ वीडियो आ जाए, रोज़ जानकारी मिले, लेकिन हम जैसे लोग भी जो हैं परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो वहाँ पे जो इस तरह की जो घटनाएं हैं हो जाती हैं, दुखद भी रहते हैं, फिर भी हम लोग जो हैं कि चेहरे पे मुस्कान लाकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों का प्यार मिलता है, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से प्यार आप लोग देते रहें, चाहे मैं ही यूट्यूब वाला हूँ या कोई और भी यूट्यूबर है, वो जो भी वीडियो बनाता है वो किस परिस्थिति में बनाता है वो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। तो बस सभी जितने यूट्यूबर हैं वो कुछ ना कुछ जो भी वीडियो बनाते हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, उसको जरा है प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। लगता है कि आज की जो वीडियो है वो मेरे बड़े पिताजी के नाम है, उनको समर्पित है ये वीडियो,